रतलाम मंडल में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार तांबे के वायर चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते आरपीएफ आईजी बॉम्बे व रतलाम आरपीएफ कमांडेंट के निर्देशन में कॉपर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश आरपीएफ पुलिस द्वारा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खंडवा के समीप अतर अजंती रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जहां रेलवे लाइन के मध्य तांबे के वायर व ओएचई का काम चल रहा था, जिसे देख खंडवा का डेंजर चोर गिरोह सक्रिय हुआ और समय देख लगभग लाखों रुपए के 675 कैटरीन वायर और 675 मीटर कॉन्टेक्ट वायर, कुल वजन लगभग 1000 किलो सहित लाखों रुपए की कीमत आकी गई है। चोर गिरोह को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में महू के निरीक्षक विक्रम सिंह सहित नागदा व नीमच की टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर टीम में शामिल लोगों को पकड़ा, जिसने अपना नाम नग्गो उर्फ रुस्तम बताया। शामिल की निशानदेही पर शोएब शकील नोमान करीम निवासी खंडवा को आरपीएफ पुलिस ने धर दबोचा है। नग्गू ने बताया कि उसने अतर अजंती के बीच अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशनों पर तांबे की चोरी करना कबूल किया है। आरपीएफ पुलिस ने चोरी में उपयुक्त एक चार पहिया वाहन व उपकरण को जब्त किया है। हालांकि इस पूरे मामले में चार आरोपी मोहसिन डेंजर रईस राकेब अभी फरार है। इस पूरे मामले में आरपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 3.25 लाख रुपए चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, अभी कुछ बाकी है। करीम को जेल भेज दिया गया है, जिसके नग्गू शकील नवाब और एक साथी है, उन्हें चारों को 5 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अभी जांच जारी है, जांच में जो ये तथ्य सामने आ जाएंगे और सभी पूर्व में किए हुए अपराध हैं, इन्होंने रेलवे की चोरी की है। करीम पर 20 मामले 10 सिटी पुलिस के हैं, नग्गू ने 2 बार आरपीएफ की चोरी की गई। जांच जारी है, जो 5 दिन का रिमांड लिया गया, पूछताछ जारी है, जो जो सामने आया जाएगा पकड़ा जाएगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।